जिले में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर वार्डवार कोविड-19 जांच शिविर लगाया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार को सेक्टर 7 में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के लोगों ने पहुंचकर शिविर का लाभ उठाया। शिविर को लेकर पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ जानकारी मिली, क्योंकि हम लोग चुनाव के बाद थोड़ा व्यस्त हो गए थे बीच में, तो मेरी टीम और मैं लगातार सेक्टर 7 आसपास क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं किस घर में कैसा है, कैसे क्या स्थिति है। तो लगातार हमको जानकारी प्रतिदिन लेते रहे, तो हमको पता चला कम से कम 14 से 15 घरों में पॉजिटिव पाया गया है। तो इसको हम देखते हुए मैंने तुरंत इसकी जानकारी माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी, हमारे माननीय महापौर नीरज पाल जी को तुरंत तत्काल मैंने दिया। उन्होंने मुझे तत्काल बोला कि राजू, आप जो भी वहाँ व्यवस्थाएँ बना सकते हैं निगम के माध्यम से, आप तत्काल उसको प्रारंभ करना चाहिए आपको और कार्य प्रारंभ कर दीजिए। तो मैंने निगम से संपर्क किया और हम लोगों ने, आप देखा सेक्टर 7 मार्केट में और सेक्टर 7 के बहुत से सड़कों में जहाँ जहाँ पॉजिटिव था, हम परसों से ही रात से सैनिटाइजिंग शुरू कर दिए हैं, सैनिटाइज़र करना शुरू कर दिए हैं घरों में, पूरे सेक्टर 7 मार्केट में हो गया। उसके बाद संख्या को देखते हुए आज आप देख रहे होंगे सेक्टर 7 मार्केट में हमने कोरोना टेस्टिंग का शिविर लगाया है। हाँ, टेस्टिंग भी प्रारंभ है, बहुत से लोग सवेरे से टेस्टिंग करवा रहे हैं। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जैसे हम टेस्टिंग करवाते हैं तो अधिक से अधिक लोग, हमने व्हाट्सअप फेसबुक के माध्यम से आप सबकी जानकारी देते हैं, तो मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग आए हैं क्षेत्र के लोग और अधिक से अधिक लोग टेस्टिंग कराएं, क्योंकि यह बीमारी बहुत व्यापक रूप से फैल रही है और बहुत गंभीर रूप ले रही है, क्योंकि पहले की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। तो मेरा निवेदन है जल्दी से अधिक टेस्ट करवाएं और घरों में रहें, सुरक्षित रहें। घर से निकलने से पहले आप मास्क का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और जिस विगत जो 2-2.5 सालों से मैं और मेरी टीम जिस तरह मेरे क्षेत्र के लोगों, जनता के साथ मिलकर कोरोना काल में काम कर रही, आज भी आप लोग का जो प्यार, आप लोग का सहयोग, आपके आशीर्वाद से हम लोग भारी मतों से चुनाव जीते हैं। तो आज भी हम आपके, आपका जो ने आपका ऋण हमारे ऊपर, आपका ऋण है, आपने हमारे को इस ऐसे समय में और इतने मतों जिताया, क्योंकि हम लोग आपके ऋणी हमेशा रहेंगे। और जिस तरह से पुराने समय से हम विगत 2.5 वर्षों से काम कर रहे हैं, वैसे ही आज भी आप लोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके दुख सुख में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब भी जरूरत पड़े आप तत्काल मेरे कार्यालय में किसी को भेज दें या कोई फ़ोन करें, मेरी टीम पहुँच जाएगी और हर संभव किसी भी स्थिति में हम आपके साथ खड़े हैं।